इंदौर में पोस्टमार्टम को लेकर पुलिस और डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है सड़क हादसे में रविवार दोपहर में मृत बाइक सवार का शव जिला अस्पताल पहुंचा गया लेकिन पुलिस देर से पहुंची इस पर डॉक्टर बिफर पड़े वह चार बजे अपनी ड्यूटी खत्म होने का हवाला देकर जाने लगे इस दौरान युवक के ताऊ डॉक्टर के पैरों पे गिरकर कर पोस्टमार्टम के लिए गुहार लगाने लगे बोले सर बेटा मर गया है सर मेरी बात को समझो लेकिन डॉक्टर नहीं माने इसके बाद परिवार ने जिला प्रशासन से शिकायत की तब जाकर रात आठ बजे पोस्टमार्टम कर, पोस्ट कर शव परिवार के हवाले किया गया राव इलाके के ट्रेजर फैंटेसी में रहने वाले 18 साल के सार्थक पुत्र समीर ठाकुर का कैट रोड पर रविवार दोपहर डेढ़ बजे डंपर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई थी उसके शव को जिला अस्पताल ले जाया गया था यहाँ दोपहर चार बजे तक राव थाने की पुलिस नहीं पहुंची। जब पुलिस पहुंची तो सीनियर डॉक्टर भरत वाजपेयी ड्यूटी खत्म होने का हवाला देने लगे इस दौरान सार्थक के परिवार के लोग उसके पोस्टमार्टम को लेकर विनती करने लगे तभी सार्थक के ताऊ सलील ठाकुर डॉक्टर के पैरों पर गिरकर कर बेटे के पोस्टमार्टम के लिए गिड़ लगे लेकिन डॉक्टर का दिल नहीं बसीचा